हिंदी फर्स्ट का सेवन लेसन चिड़ियाघर की सैर वो स्टार्ट किया था और एक पैरा पढ़ा भी दिया था आप लोगों को बताया गया था उसमें कौन कौन है अमन और गगन। अमन कहाँ जाने की जिद कर रहा था चिड़ियाघर देखने के लिए और उसके बारे में चिड़ियाघर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चिड़ियाघर में किस तरह से जानवर और कैसे प्रकार के पशु पक्षी सब रहते हैं। ठीक है अब आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। रविवार की सुबह ठीक 9 बजे अमन गगन और उनके पिताजी तैयार होकर घर से निकल पड़े। कहाँ के लिए निकल पड़े थे चिड़ियाघर के लिए जू में जाने के लिए। चिड़ियाघर तक जाने के लिए उन्होंने बस ली। वहां पहुंचकर चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए पिताजी ने टिकटें ली। चिड़ियाघर में अंदर जाने के लिए क्या होता है पहले टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेके ही फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। चिड़ियाघर बहुत दूर तक फैला हुआ है। मे बी आप सब लोगों ने भी चिड़ियाघर देखा होगा। यहाँ लखनऊ के चिड़ियाघर में चले जाइए जू में वहाँ देखिए कितनी दूर तक फैला हुआ है। एक बार आप सब भी जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो घूम के आइएगा तो आपको एकदम समझ में आएगा कि चिड़ियाघर किस तरह से होता है। इसीलिए पिताजी ने गाड़ी किराए पर ले ली। कुछ दूर जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने रंग बिरंगे क्या देखे पक्षी। वहां पे तरह तरह के हर कलर के पक्षी थे वे बड़े सुंदर लग रहे थे। कुछ पेड़ों के ऊपर विदेशों से आए हुए पक्षी भी दिखे। वहां पर केवल अपने देश के ही पक्षी नहीं थे बल्कि कहाँ के विदेश के भी पक्षी आए हुए थे। आगे जाने पर तालाब में तैरती हुए बतखें दिखाई दी। आगे बहुत बड़ा तालाब भी था उसमें क्या थी तैरती हुई बतख भी दिखाई दी। जगह जगह पेड़ों पर से मोरों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हो रही थी जगह जगह पर पेड़ों से मोरों की आवाज आ रही थी। अमन और गगन बहुत रोमांचित हो रहे थे। अमन और गगन कौन था उस अमन का छोटा भाई। तो दोनों बहुत रोमांचित मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। आगे उन्होंने क्या देखा सफेद शेर चिंपैंजी बंदर मणिपुरी हिरन मगरमच्छ उदबिलाव अफ्रीकी भैंसे दरियाई घोड़े जेब्रा और न जाने कितने जानवर दिखे। क्या था अभी हम इसके पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि चिड़ियाघर में आपको जो जानवर हम अपने अगल बगल नहीं देख सकते वो सब जानवर हम लोग वहाँ देख सकते हैं। तो उसी प्रकार उन लोगों ने भी वो सब जानवर देखे। कौन कौन से देखे थे देखिए सफेद शेर देखे चिंपैंजी बंदर मणिपुरी हिरन मगरमच्छ उदबिलाव अफ्रीकी भैंसे दरियाई घोड़े जेब्रा और न जाने कितने जानवर देखे। घास के हरे भरे बड़े बड़े लॉन रंग बिरंगे विविध प्रकार के फूलों से लदी क्यारियाँ पेड़ों की डालियों पर चहचहाते हुए पक्षी तालाब में तैरती हुई बतखें अपने बाड़ों में धूप सेकते हुए जानवर सब मिलाकर एक अद्भुत दृश्य लग रहा था। क्या था मखमली घास के हरे भरे बड़े बड़े लॉन। मखमली घास के क्या थे हरे भरे बड़े बड़े लॉन एकदम ऐसे बगीचा की तरह जैसे हम लोग गार्डन में घूमने जाते हैं उस तरह से क्या था वहाँ पे हरे भरे बड़े बड़े लॉन थे। उसमें रंग बिरंगे विविध प्रकार के फूल और फूलों से लदी क्यारियाँ और पेड़ों की डाली पे चहचहाते पक्षी। पक्षी का एक बार पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि वहाँ पे रंग बिरंगे पक्षी थे और विदेशों से भी आए हुए पक्षी सब उसी पेड़ पे इधर उधर चहचहा रहे थे। तालाब में तैरती हुई बतखें थी इसके साथ साथ कलर कलर की मछलियाँ भी थी उसमें हर रंग की बड़ी छोटी और अपने बाड़े में मतलब आपको बताया था ना कि उन लोगों को घेरा गया था बड़े बड़े जानवर को जो जंगली होते हैं जो हमारे पर हमला कर सकते हैं उनको क्या करते थे पिंजरे में रखा जाता था और बाकी जानवरों को ऐसे बड़ा बाड़ा घेर दिया जाता था उसके अंदर रखा जाता है। तो धूप सेकते हुए जानवर सब मिलाकर क्या लग रहा था एकदम अद्भुत दृश्य लग रहा था। ठीक है इस पेज को जितना मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है इस पेज को एक बार आप लोग पूरा अच्छे से रीड करके पूरा रिविजन कर डालेंगे और दोनों पेज आगे वाला